तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। टाइगर 3 से रिलेटेड लगातार अब बिग अपडेट्स आ रही हैं, वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स करे जा रहे हैं YRF के द्वारा। कोई रूमर्स सुनने को नहीं मिल रहे, कोई छोटी मोटी अपडेट्स नहीं आ रही हैं, बिग अपडेट्स आ रही हैं। प्रमोशन मैं कहूँ ना, ह्यूज लेवल का प्रमोशन चल रहा है, ह्यूज लेवल का। मतलब YRF वालों को इस कॉन्टेंट से, अपने टाइगर 3 के कॉन्टेंट पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैं आपको बताऊँगा। इतनी बड़ी डील साइन करी इन लोगों ने, वर्ल्ड कप डील साइन कर रखी है। और भाई साहब, बहुत जिगरा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक आपको रीच करने के लिए। उसके बाद ट्रेलर की रन टाइम इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दी है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ने भी को पास कर दिया है। कौन सा सर्टिफिकेशन मिला, ए सर्टिफिकेट की रेटिंग मिली या UA, सब बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, टाइगर के साथ YRF भी अब बिग अलर्ट मोड में चालू हो चुके हैं। कैसे, देखो अभी करके इन्होंने न्यू पोस्टर्स रिलीज करे। कौन से, कटरीना कैफ का परसों निकाला था न्यू लुक में, जबरदस्त था वो, रोप के साथ टंगी हुई। उसके बाद कल भाईजान का न्यू लुक निकाला, न्यू पोस्टर निकाला, और क्या स्वैग में बैठी है भाईजान, हाथ में पिस्टल, पीछे क्या कहते हैं पुलिस वाले, और गले में परना, और वो एटीट्यूड के साथ देखना, भाई इनका अंदाज ही निराला है यार, एटीट्यूड ही जबरदस्त है इस बंदे का। इसीलिए लोग भाई गॉड इस टाइम तक आते आते इसे मेन लीड में पसंद करते हैं। और यस, यही जनता का प्यार है कि मूवी को इतना ज्यादा हाइप मिल रहा है। बाय गॉड फुल हाइप में चल रही है ये मूवी और जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है। देखो, YRF ने वर्ल्ड कप डील साइन करी है। पहले जो वर्ल्ड कप टाइगर 3 के लिए डेंजर जोन साबित हो रहा था, क्योंकि अगर देखो उस टाइम पर मूवी रिलीज करी जाती तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, यस क्रिकेट के दीवाने हैं भैया, इंडिया में बहुत दीवाने हैं क्रिकेट के, और जब वर्ल्ड कप की बात चल रही हो तो भैया मूवी एक तरफ से आप किनारे रख दीजिए। देखो, YRF ने वर्ल्ड कप डील ये साइन करी है, जब भी क्या कहते हैं इंडिया का मैच होगा, किसी भी कंट्री से हो, कोई भी कंट्री हो चाहे, उसमें टाइगर 3 का एक मैसेज दिया जाएगा, टाइगर 3 का प्रमोशन करा जाएगा। और इसकी इंडिविजुअल शूटिंग सलमान खान पहले ही कर चुके हैं। मतलब जितने भी मैच होने वाले हैं इंडिया के, जब भी क्रिकेट ग्राउंड में पिच में वो मैच होंगे इंडिया की टीम के, तब तब टाइगर 3 का प्रमोशन जबरदस्त तरीके से होगा। और हर एक मैच के लिए, हर एक इवेंट के लिए सलमान खान ने खुद बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग करी है। तो वही चीज देखो ना, YRF वाले इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस चीज को लेकर कि पहले तो उन्होंने ICC वर्ल्ड कप वालों से कोलैबोरेट किया, उसके बाद सलमान खान को ये इंडिविजुअल शूटिंग के लिए अलग चार्जेस दिए होंगे। तो कितने बड़ी लेवल की अमाउंट इन लोगों ने खर्ची होगी, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है ना वर्ल्ड कप का, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है पैसा देने में। तो इन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इस चीज से पता लग रहा है कि यार मूवी क्या होने वाली है, दमदार होने वाली है और जबरदस्त होने वाली है। दूसरा, इस चीज का बूस्टर या इस चीज का कॉन्फिडेंस YRF वालों को कहां से आया, जब पठान रिलीज करी थी और पठान ने जब 1000 करोड़ का आंकड़ा टच किया था भाई साहब, तो वहां से इन लोगों के मुंह में लग गया है खून, और स्पाई यूनिवर्स में पठान से भी आगे ले जाना चाहते हैं टाइगर 3 को। क्योंकि इसके टाइम पर सिर्फ वर्ल्ड कप एक पहले खतरे की घड़ी लग रही थी इनके टाइम पर, सेम टाइम पर चलने की, लेकिन इस टाइम पर अब कोई इनके सामने टक्कर में नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहां से प्रमोशन ले लिया है। और देखो, हर बार 40 करोड़ की ऑडियंस से ये सीधा का सीधा कनेक्ट करने वाले हैं, सीधा प्रमोशन जाएगा 40 करोड़ की ऑडियंस को। अगर उसमें से 1 करोड़ ही ऑडियंस आ जाती है थिएटर हाउस में, तो भाई साहब इनकी बल्ले बल्ले है और यहीं से इनको फुल फायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने चुना है ना, वहाँ क्राउड है भाई साहब, वहाँ भीड़ की कोई नंबर सी नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ से प्रमोशन इनको मिलने वाला है। ट्रेलर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, ट्रेलर की रन टाइम कितनी होने वाली है, 2 मिनट 51 सेकेंड। भाई मज़ा आ जाएगा, देखो इतने लंबा ट्रेलर और इसमें हमें कितना कुछ देखने को मिलने वाला है। टीजर में ही सलमान खान को देखकर हम सब पागल हो चुके थे, तो यहाँ पर तो कटरीना कैफ को भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है, साथ में इमरान हाशमी को भी जबरदस्त स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। दूसरा, सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेशन के साथ ट्रेलर को क्लीन चिट दे दी है, ये जबरदस्त है भाई साहब। जब ट्रेलर को ही UA सर्टिफिकेशन की रेटिंग मिल चुकी है, तो मूवी को भी UA सर्टिफिकेशन मिल ही जाएगा, क्योंकि सलमान खान वैसे भी वैसी कोई फिल्में बनाते नहीं है, वल्गैरिटी जिसमें घुसी पड़ी हो, इनकी फिल्में हमेशा क्लीन ही रहती हैं और फैमिली ऑडियंस के लिए ही रहती हैं। जो पिछली हम मूवी देखे किसी का भाई किसी की जान, बिल्कुल फैमिली ऑडियंस मूवी थी, और वैसे ही ये वाली भी होने वाली है फैमिलियरिटी मूवी। तो भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार इतना कुछ हिलने वाला है। हर दिन अब देखो लगातार अपडेट पर अपडेट आती रहेंगी। 16
16 अक्टूबर जब तक नहीं आ जाता ट्रेलर, यहाँ तक जबरदस्त अपडेट चलेंगे। और जब एक बार 16 अक्टूबर में ट्रेलर रिलीज हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो भयंकर एक्टिव मोड में ये चालू होंगे और जो लेवल का प्रमोशन होगा वो देखने लायक होगा। और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है कि यार ह्यूज लेवल पर प्रमोशन चल रहा है, बिग लेवल पर प्रमोशन चल रहा है। भाई साहब आपको छोटा मोटा लग रहा होगा लेकिन क्रिकेट मैच के इंडियन में इतने दीवाने हैं, आप लोग जानते ही हो कैसे खचाखच ग्राउंड भरा रहता है। वैसा ही मंजर हमें थिएटर हाउस में भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर टाइम जब अलग अंदाज में, सलमान खान के अंदाज में, टाइगर के अंदाज में जब प्रमोशन चलेगा तो उसकी बात ही अलग होगी। और जबरदस्त तरीके से मैं कह रहा हूँ ये मूवी 1000 करोड़ से ऊपर जानी ही जानी है, क्योंकि वायरफ वालों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो सीधा देखकर लग रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है और आप लोग इस ट्रेलर का कितना इंतजार कर रहे हैं 16 अक्टूबर के लिए, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।